गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ भी करते हैं तो विवाद होता है। उन्होंने उपवास किया सद्भावना के लिए, लेकिन इसे भी कई तरीके से, कई नजरों से देखा जा रहा है। कोई इसे राजनीतिक चश्मे से देख रहा है तो कोई इसे प्रधानमंत्री के रास्ते का एक पुल बनता हुआ देख रहा है। बात करने के लिए खुद मौजूद है हमारे साथ नरेंद्र मोदी। मोदी साहब, आपने जो कल खत लिखा, ओपन लेटर, उसमें आपने लिखा कि मेरे मन में सद्भावना आए और मैं चाहूंगा कि जो लोग मेरे बारे में कुछ भी कहते रहे या सोचते रहे या गुजरात को बदनाम करते रहे, उनके बारे में तमाम बुरी भावनाएं ना आए। क्या अभी तक आप आहत रहे हैं कि लोग आपके ऊपर और गुजरात पर जो आप कहते हैं तमाम आक्षेप लगाते रहे हैं? मैं पहले भी कभी आहत नहीं था, आज भी आहत नहीं हूं, लेकिन आहत के सिवाय भी तो एक स्टेज होता है जो इन सब के बावजूद भी अपनापन कैसे पनपे है। किसी ने कुछ कर दिया उसके बावजूद भी अगर मैं अनशन पर बैठा हूं तो मुझे भी तो ईश्वर से कुछ अपने लिए मांगना चाहिए। तो मैंने खुद के लिए मांगा है कि मुझे शक्ति दे, जो मुझे सबसे प्यार करने की ताकत दे, सबको अपना बनाने की ताकत दे, और ये तो निरंतर प्रक्रिया है जो चलनी चाहिए। लेकिन ये जो बार बार बातें उठती हैं, आप जब भी कुछ करना चाहते हैं लोग उसे एक अलग नजरिए से देखते हैं। अभी जब आप उपवास पर बैठे तो लोगों ने कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी की रथ यात्रा के मुकाबले कहीं ना कहीं आप इसे एक नया स्टंट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या वाकई में ऐसा होता है? आपकी सोच ऐसी होती है? देखिए, मीडिया को गर्मा गर्म समाचारों की जरूरत होती है। अगर वो लॉजिक जिन्होंने भी शुरू किया, क्योंकि मैंने देखा कि आपके खुद का भी यही लॉजिक था परसों दो तीन दिन पहले, अभी वो चला गया, उसके बाद कोई उसका उल्लेख नहीं कर रहा है। हवा में एक दिन चला लिया, गर्मा गर्म कर दिया, छोड़ दिया। कोई मुझे कहे कि आडवाणी जी की यात्रा अक्टूबर में है, इसको उसके साथ क्या लेना देना, ये एक राज्य का कार्यक्रम है और राज्य में भी बीजेपी का कार्यक्रम है, इसका और इसको कोई लेना देना नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। और जब मैं पहली बार मैंने आज तक पर ही सुना ये लॉजिक, तो मैं भी हो गया कि कमाल के लोग हैं यार, क्या क्या सोचते रहते हैं। तो वही सोचते हैं जो राजनीति के कहते हैं मोदी जी। अब मैं आरोप नहीं लगा रहा हूं, मुझे मजा आया, हंसी आ गई और कुछ नहीं हुआ। ये बताइए कि लोग ये कह रहे हैं, खास करके आपके जो विरोधी हैं, कांग्रेसी हैं या तमाम अन्य नेता, वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का पद कहीं ना कहीं आपकी निगाहों में है और इसीलिए आप अपने आप को एक पोजीशन करना चाहते हैं और मुस्लिम माइनॉरिटी को भी अपनी तरफ लाने की कोशिश करें। आरोप कितना सही या गलत है? आप लोग मुझे बहुत सालों से जानते हो, मेरे जीवन को जानते हो। मेरे बहुत छोटी आयु में घर छोड़ा था, मेरे परिवार में किसी का राजनीति से लेना देना नहीं है। मेरे पिताजी कभी गांव का पंचायत का चुनाव भी लड़े नहीं है। मैं भी कभी स्कूल के अंदर या कॉलेज में मॉनिटर का चुनाव नहीं लड़ा हूं। मेरी जिंदगी अलग है। एक विशिष्ट परिस्थिति में मुझे जिम्मे गुजरात की जनता ने काम दिया है, मैं उसको कर रहा हूं। लेकिन आज जहां हूं वहां भी मैंने कभी सोचा नहीं था कि हम यहां होंगे। तो इस प्रकार का सोचना वगैरह मेरी फितरत में नहीं है। दूसरा, अगर मैं फिलोसॉफी के आधार पर कहूं तो मेरी जिंदगी की फिलॉसफी है, और जो मैं नौजवानों के साथ बात करता हूं तो बहुत उसको जम करके बांटता हूं। और मैं आग्रह करता हूं, मैं लोगों को कहता हूं, कभी भी कुछ भी बनने के सपने मत देखो। अगर सपने देखने हैं तो कुछ करने के देखो। और इसलिए मेरे जीवन में कभी भी बनने का सपना कभी भी नहीं था, आज भी नहीं है। और ये मेरी लाइफ का फिलोसॉफिकल कन्विक्शन होने के कारण भविष्य में भी संभव नहीं है। हाँ, कुछ करने के सपने बहुत हैं। मैं इस देश के लिए, इस देश की जनता के लिए, एक गांव में बैठा हूं तो भी मैं देश के लिए काम करता हूं, एक पंचायत में बैठा हूं तो भी देश के लिए काम करता हूं, एक राज्य के लिए काम करता हूं तो मेरे लिए, मैं देश के लिए काम करता हूं। क्योंकि मेरा मंत्र है भारत के विकास के लिए गुजरात का विकास। और इसलिए लेना पाना बनना ये नरेंद्र मोदी की जहन में नहीं है। जो मुझे जानते हैं वो कभी ये सवाल ही नहीं उठा सकते मेरे लिए।
व्यक्तिगत तौर पर अगर आप अलग इससे रखें, पार्टी के तौर पर अगर पार्टी कल को आपको ये जिम्मेदारी सौंपना चाहे तो आपको कैसे कोई गुरेज होगा? आप जानते हैं ये सारे सवाल बहुत लोडेड होते हैं। कोई हां कहे तो भी विवाद खड़ा किया जा सकता है, ना कहे तो भी विवाद खड़ा किया जा सकता है, और मीडिया का ये रटा रटा यह सवाल रहता है। नहीं नहीं, ये रटा रटा नहीं है। मैंने पहले भी इंडिया टुडे कॉन्क्लेव में भी आपसे ये सवाल पूछा था, इसलिए आज दोबारा पूछा। रटा रटा होता है। लेकिन जैसे कि पार्टी समझती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग मानते हैं कि आप उन लोगों में से हैं जिन्हें ये जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, कम से कम आप ये तो मानेंगे? मेरी किसी से बात नहीं हुई है। मोदी जी, एक और अहम सवाल, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि खास करके राजनीतिक कमेंटेटर्स हैं, उनका ये मानना है कि आपके आने से कहीं ना कहीं जो एनडीए गठजोड़ है वो साथ नहीं होगा, क्योंकि आज भी आपके मंच पर जेडीयू के नेता नजर नहीं आए और शरद यादव ने कहीं ना कहीं आपको एक तरह से आक्षेप भी किया आज दिल्ली में। आपको लगता है कि नीतीश कुमार या उनकी पार्टी के लोग या इस तरीके के लोग आपसे जुड़ना पसंद नहीं करते? देखिए, एनडीए का भारतीय जनता पार्टी हिस्सा है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री हूं, तब भी एनडीए तो चल ही रहा है और बड़े अच्छे ढंग से चल रहा है, तो सवाल क्या निशान क्यों उठा रहे हो भाई? एक और सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा मोदी जी, व्यक्तिगत तौर पर पिछले 9 साल से लगातार आपके ऊपर एक के बाद एक आघात होते रहे हैं। रात में जब आप अपने बिस्तर में सोते हैं, कई बार आपको लगता होगा कि क्या वाकई में ये सारे आरोप मेरे ऊपर सिर्फ इसलिए लग रहे हैं कि मैं नरेंद्र मोदी हूं, या इसलिए क्योंकि मैं बहुत अच्छा काम करता हूं? मैं शुरू में ये आरोप वगैरह की चीजें मेरा थोड़ा मन लगता था, अब मैं उसमें समय बर्बाद नहीं करता हूं। अब मैं पॉजिटिव सोचना, ज्यादा अच्छा करना, अगर 10 घंटे काम करता हूं तो 16 घंटे कैसे करूं, 16 घंटे करता हूं तो 18 घंटे कैसे करूं, इसी में मन लगा रहता है। इसलिए नेगेटिव कोई चीजें मेरे आसपास होती नहीं है, और शायद मेरी सफलता का कारण भी यही है कि आपने कभी मेरा बयान भी नहीं देखे होंगे, मैं चक्करों में नहीं पड़ता हूं, अपना काम करता रहता हूं, और लोकतंत्र में हूं तो उस पर सवाल भी उठाए जाएंगे और उठने भी चाहिए, उसकी आलोचना भी होगी, होनी भी चाहिए, वही तो डेमोक्रेसी की स्ट्रेंथ है, तो व्हाट इज रॉन्ग इन इट। एक आखिरी सवाल, आज आपने लेबोरेटरी शब्द का इस्तेमाल किया, आमतौर पर लोग कहते थे कि आरएसएस और संघ परिवार की लेबोरेटरी गुजरात है, हिंदुत्व की लेबोरेटरी, आपने उसे डेवलपमेंट की लेबोरेटरी, विकास की लेबोरेटरी में तब्दील कर दिया। शायद हिमंत आपको अच्छे ढंग से बताएंगे, आपने शायद ये मेरा जादू पकड़ लिया कि मुझे मालूम नहीं है, जो शब्द मुझे गाली के रूप में दिए जाते हैं समय रहते उसी को मैं एसेट में कन्वर्ट कर देता हूं। तो प्रचारित करने की मेहनत आप लोग कर लेते हैं और बाद में उसमें रंग भरने का काम मैं कर देता हूं, तो अब मुझे किसी को लेबोरेटरी समझाने की मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेबोरेटरी आपने समझा दिया था, अब लेबोरेटरी डेवलपमेंट की है, वही मुझे एक छोटा सा काम करना पड़ता है। मोदी जी, अगर हम वाकई में देखें तो आज जब आप अपने राजनीतिक करियर को देखते हैं तो जहां से आपने शुरू किया आज जहां तक पहुंचे, इस मुकाम तक पहुंचकर, क्या आपको ये आत्मसंतोष है कि आप वो सब कुछ कर पाए या कर रहे हैं जो वाकई में आप करना चाहते थे? क्योंकि लोग आपके ऊपर आज भी कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। देखिए, सार्वजनिक जीवन में हम अकाउंटेबल हैं और सवाल उठने ही चाहिए, हमारे पल पल का हिसाब मांगना ही चाहिए, तो कोई अगर सवाल उठाता है इट्स अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड आई मस्ट ऑनर दैट क्वेश्चन। तो ये तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि ये क्या बात है। अच्छा, दूसरा विषय है कि जिस दिन किसी के इंसान के जीवन में कुछ करने का अब पूरा हो गया, उसका मतलब उसकी जिंदगी वहां समाप्त हो गई। जिंदगी का नाम ही यही है कि हर पल नया करने का इरादा हो, हर पल ज्यादा करने का इरादा हो। तो मैं तो ठहराव का विरोधी हूं जी, हम तो चलते रहना चाहते हैं और अधिक करना चाहते हैं।